हाय गाइस, माय नेम इज़ अदनान खान एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज की वीडियो में हम फिर से वात दोष के बारे में पढ़ने वाले हैं। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया था वात, पित्त और कफ के स्थान हमारी बॉडी के अंदर वो कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। लेकिन अब मैं वात को ही और ज़्यादा इलोबरेट और ज़्यादा एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो इसके अंदर हम बात करेंगे वात दोष के प्रकार, वात दोष के प्रकार या फिर वात के भेद कितने होते हैं। तो वात के पाँच भेद होते हैं, पांच भेद या पांच प्रकार होते हैं, और वो कौन कौन से होते हैं वो हमें यहाँ पर पढ़ने हैं। जैसे पहला प्राण, दूसरा आता है इसके अंदर उदान, प्राण उदान, तीसरा आता है समान, प्राण उदान समान व्यान, एंड लास्ट अपान। आपको ये एज इट इज लर्न करने हैं वात के भेद या फिर वात के पांच प्रकार, प्राण उदान समान व्यान और लास्ट में अपान, ठीक है। अब हम इसको वन बाय वन कवर करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर प्राण की। तो अब हमारी हेडिंग हो गई प्राण, और वात को हम क्या बोलते हैं, वात का क्या नाम और है, मैंने बताया था वात को वायु भी कहते हैं। तो सबसे पहली हेडिंग हो गई हमारी प्राणवायु। तो प्राणवायु इसके अंदर हमें देखो पढ़ना क्या क्या है, ध्यान रखना। इसके अंदर जितने भी हमें पढ़ेंगे प्राण उदान समान व्यान अपान, इसके अंदर हम दो चीज़ पढ़ेंगे, एक तो इसके स्थान कि हमारी बॉडी के अंदर कहाँ प्रेजेंट होता है, और दूसरी चीज़ इसके कर्म, कर्म मतलब इसके कार्य है, इसके क्या क्या कार्य होते हैं। हमें इसमें सिर्फ ये चीज़ दो चीज़ पढ़नी है, मतलब प्राण का स्थान का क्या है और उसके कार्य क्या है, ऐसे उदान का स्थान क्या है और उसका कार्य क्या है, ऐसे समान का कार्य क्या है और उसका स्थान क्या है, बस यही चीज़ इसके अंदर हमें कवर करनी है। तो सबसे पहले हम इसका स्थान देखते हैं। तो देखो अष्टांग हृदय का एक श्लोक आता है, उसका मीनिंग आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद करना। अष्टांग हृदय का चैप्टर नंबर 12 का फोर्थ श्लोक है। तो उसमें अष्टांग हृदय में ये बात लिखी है आचार्य लघु वाग्भट ने कि जो प्राण वायु का स्थान है वो होता है शिर। शिर मतलब हमारे सर में ये प्राण वायु रहता है, ठीक है। शिर में इसका स्थान है, मैं यह लिख देता हूँ, शिर में रहता हुआ, पूरा सेंटेंस लिख देता हूँ, उर में उर प्रदेश एवं कंठ में संचरण करता है। देखो जो प्राणवायु का स्थान है वो शिर हो गया, मतलब हमारा सर हो गया, लेकिन उर मतलब चेस्ट रीजन, जो चेस्ट होती है हमारी चेस्ट रीजन, तो उर प्रदेश एवं कंठ मतलब यहाँ पे थ्रोट, हमारा गला होता है थ्रोट रीजन, ये शिर में रहता हुआ उर और कंठ में संचरण करता है, मतलब यहाँ से ट्रांसमिशन करता रहता है, कभी उर में कभी थ्रोट में, लेकिन जो उसका मेन स्थान है वो क्या है, शिर है, ठीक है। तो ये हो गया इसका स्थान। तो आचार्य चरक ने भी यही बात बोली है कि जो मुख्य स्थान है प्राणवायु का वो शिर है, लेकिन वो और कंठ मुख और नासिका, मुख मतलब पूरा मुंह और नासिका मतलब नाक, यहाँ पर ये संचरण करता है, मतलब ट्रांसमिशन करता रहता है। तो ये होगी इसके स्थान की बात। अब बात करते हैं इसके कार्य की। तो जिसके वैसे जनरल कार्य है तो ये होता है इसका थूकना, छींकना, डकार लेना या जम्बाई लेना, तो ये इसके कार्य हो गए। लेकिन हम इसको एक पॉइंट वाइज लिखेंगे, ठीक है, इसके कार्यों को हम पॉइंट वाइज यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। मतलब आचार्य चरक जी ने भी कार्य बताए हैं, आचार्य लघु वाग्भट ने कार्य बताए हैं, आचार्य सुश्रुत ने भी इसके कार्य बताए हैं, लेकिन हम उनका एक निचोड़ लिख देते हैं बस पॉइंट वाइज, ठीक है। आप अपनी बुक से पढ़ना वन बाय वन, आपको समझ में आ जाएगा इस वीडियो को देखने के बाद कि चल क्या रहा है इस चैप्टर में। तो उसका सबसे फर्स्ट कार्य हो गया मुख द्वारा लिए गए आहार को आमाशय तक पहुँचाना, मतलब जैसे हम कुछ आहार खा लेते हैं, हम खाना खाते हैं, तो उस खाने को आमाशय मतलब स्टमक तक पहुंचाने का जो कार्य करता है वो प्राणवायु करता है। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ मुख द्वारा लिए गए आहार को आमाशय तक पहुँचाना, ये कार्य हो गया। तो ये कार्य हो गया प्राण वायु का पहला कार्य है। अब दूसरा कार्य आता है, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ थूकना, ठीक है, थूकने को होता है स्पूटम,
थूकना, छींकना, स्नीजिंग, डकार लेना, ठीक है, या फिर श्वास लेना, ये सब कार्य प्राणवायु के आते हैं। ठीक है, अब थर्ड नंबर पर जैसे बुद्धि, इंद्रियां तथा हृदय एवं धमनी को धारण करता है। ठीक है, जैसे धातु, सात धातु होती है, हमारे शरीर को धारण करती है, इसी तरीके से जो प्राणवायु है हमारी बुद्धि को, इंद्रियां मतलब हमारी आँख नाक कान, हृदय और धमनी, धमनी मतलब हमारी आर्टरी, इन सबको ये धारण करता है। ठीक है, अब लास्ट पॉइंट इसका, इसके बारे में हमें क्या लिखना है। अब जैसे ये दोष है, ठीक है ना, ये भी हम क्या पढ़ रहे हैं, वात एक दोष है, जब ये वात दूषित हो जाता है, ठीक है, तो क्या करता है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा जम्बाई आती है, ठीक है, और जो हमारा स्वर है, जो हमारी आवाज़ है, वो चेंज हो जाती है। तो जब, सॉरी, यह वायु जब दूषित होती है तब श्वास तथा स्वर भेद, स्वर भेद मतलब अलग अलग टाइप की आवाज़ निकलना, आदि विकार उत्पन्न होते हैं। ठीक है, जब प्राणवायु दूषित हो जाती है तो हमारी अंदर से अलग अलग तरीके की आवाज़ निकलती है और हमें झंबाइयाँ आने लगती हैं। ठीक है, तो ये हो गए प्राणवायु के स्थान और कर्म, कौन कौन से स्थान हो गए, शरीर में रहता हुआ और कंठ में संचरण करता है, बहुत सिंपल है, इजीली लर्न हो जाएगा। ठीक है, और इसी तरीके से इसके कार्य हो गए। अब सेकेंड नंबर पर जो हम पढ़ने वाले हैं वायु, उसका नाम है उदान वायु, उदान वायु। इसी तरीके से हम इसमें भी सबसे पहले इसके स्थान को कवर करेंगे, उसके बाद इसके कार्य को कवर करेंगे। तो सबसे पहले इसके अंदर आएगा स्थान, ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे इसके कार्य की। तो इसका स्थान कौन कौन सा है, तो इसका जो मेन स्थान है वो माना गया है उर, उर मतलब चेस्ट रीजन, ठीक है, उर माना है, लेकिन इसको भी यही बात बोली है, ये कंठ में संचरण रहता है, मतलब ये हमारे थ्रोट रीजन में संचरण करता है। तो ये तो हो गया उदान वायु का स्थान। ठीक है, अब इसके कार्य क्या क्या होते हैं, तो जैसे जितनी भी ये वायु हैं, जैसे प्राण, उदान, समान, व्यान, अपान, जितनी भी वायु हैं, उसमें से जो सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ वायु मानी गई है वो उदान वायु को माना गया है। ठीक है, उदान वायु को क्यों माना गया है, क्योंकि ये हमें बोलने की शक्ति प्रदान करती है, इसी की वजह से हम बोल पाते हैं। तो मैं यहाँ पर लिखने जा रहा हूँ इसके कार्य, सबसे पहले मैं यहाँ पर लिखूँगा ऊर्जा, ये हमें एनर्जी प्रोवाइड करवाता है, बल, ये हमें ताकत देता है। ठीक है, लेकिन जो सबसे इसका मेन कार्य है, जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कार्य है इसका, वो है स्पीक का, यह हमें स्पीक प्रोवाइड करवाता है, सॉरी, यह हमें बोलने की शक्ति प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ, यह सभी वातों में श्रेष्ठ है, श्रेष्ठ मतलब उत्तम, नंबर वन पर है, मानी गई है, क्योंकि इसके द्वारा भाषण, गायन आदि विशेष कर्म संपादित होते हैं। सारी जितनी भी वायु हैं, सारी वायु में से इसको सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ या फिर उत्तम माना गया है, क्योंकि इसी से ही हम भाषा, मतलब बोलना, भाषण देना, गाना गाना, ऐसे जो इम्पोर्टेंट काम है वो उदान वायु के कारण होते हैं, इसलिए सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ इसको माना है। इसका स्थान कहाँ पर है, उर में और थ्रोट रीजन में संचरण करता है, मतलब हमारे चेस्ट के पास ये वाली वायु प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो हमने दो वायु कंप्लीट कर ली अपनी, एक प्राणवायु और एक उदान वायु, इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए अब आपको। ठीक है, अब हम नेक्स्ट बात करेंगे इसके अंदर समान वायु की। तो यहाँ पर नेक्स्ट वायु आएगी अब
समान वायु। अब ये समान वायु क्या होती है ये देखते हैं। तो समान वायु में अब हम सबसे पहले इसका स्थान देखेंगे, और स्थान देखने के बाद इसका हम कार्य, ठीक है। और ये इसी तरीके से याद करना है तुम्हें, और जब वो एग्ज़ाम में तो तुम्हें इस तरीके से लिखना है कि स्थान कार्य है, तुम्हें एक पूरा पैराग्राफ के फॉर्म में लिखना है। और आचार्य लघुवाग भट्ट ने क्या बोला है उनको भी देख लेना एक बार, और आचार्य चरक ने क्या बोला है उनको भी देख लेना अपनी बुक से, ठीक है ना। बस मैं तुम्हें एक समझा रहा हूँ, मैं एक तुम्हें तरीका दे रहा हूँ कि तुम्हें किस तरीके से इस चीज़ को याद करना है, ठीक है। तो इसका जो स्थान होता है वो हमारी जठर अग्नि के पास होता है, तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ इसका स्थान होता है जठर अग्नि के समीप। इसका स्थान जठर अग्नि के समीप होता है, ठीक है। समान वायु के लिए एक श्लोक आता है अष्टांग हृदय में, अष्टांग हृदय का चैप्टर नंबर 12 का सिक्स्थ या सेवन्थ श्लोक है, आप देख लेना एक बार, ठीक है। उदान वायु के लिए सिक्स्थ या सेवन्थ श्लोक है, एक बार ध्यान नहीं मेरे, तुम देख लेना, वो इम्पोर्टेंट श्लोक है, वो आपको याद करना है, ठीक है। तो उसके अंदर यही बात बोल रखी है कि जो समान वायु का स्थान है वो जाठर अग्नि के समीप है, और ये हमारे कोष्ठ में संचरण करता है, ठीक है। उसके बाद उसी श्लोक में इसके कार्य बताए गए हैं। कार्य कौन कौन से बताए गए हैं, मैं पहला लिखता हूँ यहाँ पर। पहला कार्य है अन्न को ग्रहण करना, ठीक है। जो अन्न को ग्रहण करना मतलब है जैसे कोई हमने खाना खाया तो मुंह से स्टमक तक ले जाने का काम किसका था, हमने यहाँ पढ़ा प्राणवायु का था, ठीक है। अब जब वो खाना स्टमक के अंदर चला गया तो जो समान वायु है वो इसको स्टमक से इंटेस्टाइन में नहीं जाने देती जब तक वो वहाँ पर पच नहीं आता। सपोज करो उसके अंदर कुछ प्रोटीन से, जब तक प्रोटीन स्टमक में डाइजेस्ट नहीं होते जब तक उस खाने को वो आगे नहीं जाने देती, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ पर बिना पचाए आहार को आगे जाने नहीं देती है। ये जो उदान वायु है बिना पचे हुए खाने आहार को खाने को आगे नहीं जाने देती है, इसका पहला कार्य हो गया। दूसरा कार्य आता है इसका पचती, ये खाने को पचाती भी है, ठीक है। ये खाने को पचाती है, इसके आगे लिखने की जरूरत नहीं है, खाने को पचाती है। तीसरा आता है इसका कार्य है विवेचन, विवेचन का मतलब होती है डिफरेंशिएट करना, जो हमारा खाना है जिससे हमें एनर्जी मिलेगी उस सोर्स को, और जो हमारा एक्सक्रीटरी वेस्ट है उस सोर्स से उसको अलग करती है, ठीक है। तो मैं यहाँ लिखूंगा सार किट, सार होता है जो हमारी बॉडी के अंदर जरूरत सात धातु जिससे बनती है, सार भाग से धातु बनती है जिससे हमारा शरीर बनता है, ठीक है। और किट क्या हो गया, ये एक्सक्रीटरी वेस्ट हो गया। तो सार किट का विभाजन, सार और किट का विभाजन करती है, इनके अंदर डिफरेंशिएशन लाती है, ठीक है। और लास्ट है इसके अंदर मूर्छति। अब मूर्छति का मतलब होता है जो खाना पच गया उसको तो आगे भेज देती है, और जो जो मतलब मल रह गया वो उसको वहीं पर ही रोक देती है, ठीक है। तो ये इसके चार कार्य हो गए समान वायु के। आई होप आपको ये समझ आ गए होंगे। हम अब हमने यहाँ पर तीन वायु अपनी कंप्लीट कर ली है, कौन कौन सी, प्राण उदान समान। अब हम बात करेंगे व्यान वायु के बारे में, तो यहाँ पर मैं हेडिंग डालता हूँ अब व्यान वायु। व्यान वायु इसके अंदर भी हम इसी तरीके से पढ़ेंगे, पहले पढ़ेंगे हम इसके स्थान और फिर पढ़ेंगे हम इसके कार्य। तो व्यान वायु का जो स्थान बताया गया है वो बताया गया है हृदय, इसका स्थान हृदय में होता है, लेकिन ये धमनी कंडरा स्नायु कला रसनायनी मतलब जितने भी हमारी नलियां हैं, मतलब हमारी वेंस आर्टरी या फिर लिम्फेटिक चैनल्स और धमनी सिरा, इन सब के अंदर ये संचरित होती है, ठीक है ना। आप बुक से पढ़ेंगे आपको अब इजीली समझ में आ जाएगा, लेकिन जो उसका मेन स्थान है वो हृदय है, लेकिन इन सब के बीच भी ये ट्रांसमिशन होती रहती है, ठीक है। अब इसका कार्य क्या है, इसका कार्य जैसे हमारे अंगों को नीचे ले जाना या ऊपर ले जाना, जैसे कि फॉर एग्जांपल पलक का गिरना, जो हमारी पलकें होती हैं उनका गिरना, या फिर पलक का ऊपर उठना, पलक का उठना, ठीक है। तो ये जो कार्य होते हैं इस तरीके के, ये इसके अंदर आते हैं। तो सपोज करो ये पहला कार्य हो गया,
तो और इसका दूसरा कार्य है, यह पूरी बॉडी का सर्कुलेशन करवाता है हमारी, ठीक है ना। सर्कुलेशन को हम आयुर्वेद में बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं संवहन, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ व्यान वायु रस के संवहन, संवहन में संवहन का मतलब क्या होता है, सर्कुलेशन, सर्कुलेशन रस एवं रक्त का संवहन करता है, ठीक है। यहाँ पर रस क्या हो गया, जैसे कि प्लाज्मा, प्लाज्मा हो गया, रक्त हो गया यहाँ पर ब्लड, तो ये ब्लड का सर्कुलेशन और प्लाज्मा का सर्कुलेशन और साथ ही साथ लिम्फ, ये लिम्फ का भी सर्कुलेशन यहाँ पर करता रहता है, ठीक है ना। तो इस चीज़ को यहाँ पर इसके कार्य को ध्यान रखना है। व्यान वायु का जो स्थान है वो हृदय है, और इसके कार्य क्या है, जैसे कोई भी चलने फिरने का काम हो गया हमारी बॉडी के अंदर, वो कार्य कौन करता है, व्यान वायु करता है। जैसे कि पलकों का गिरना, पलकों का उठना, या फिर हमारी बॉडी के अंदर सर्कुलेशन, प्लाज्मा का सर्कुलेशन और ब्लड का सर्कुलेशन, ये काम यही करता है, ठीक है। अब ये भी वायु कंप्लीट हो गई, आई होप आपको ये भी समझ आई होगी। अब लास्ट में जो लास्ट वायु बची है उसका नाम है अपान वायु। एक बार हम अपान वायु को भी देख लेते हैं, अपान वायु। अब इसके अंदर भी हमें दो चीज़ पढ़नी है, एक पढ़ना है हमें इसका स्थान और एक पढ़ना है हमें इसका कार्य, जैसे हम सारी वायु पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। तो जो अपान वायु का स्थान है वो है कटी के नीचे, मतलब जो पेल्विस रीजन है हमारा, पेल्विस रीजन के पास इसका स्थान है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एक बार, इसका स्थान कटी के नीचे होता है। और दूसरी बात क्या है, ये कहाँ कहाँ पर संचरण करता है, मूत्र मार्ग, जहाँ से हम यूरिन पास आउट करते हैं, जो वो स्थान है वहाँ पर जहाँ से शुक्र निकलता है, वो मतलब एक एक ही बात हो गई, लेकिन बुक के अंदर लिखा है इसलिए लिखना पड़ रहा है। तो ऐसी जगहों पर ये संचरण करता है, मतलब ट्रांसमिशन होता रहता है एक से दूसरी जगह पर, ठीक है। मेन जो स्थान है इसका कटी के नीचे, पेल्विस के नीचे, पेल्विस के पास होता है, ठीक है। अब इसके कार्य कौन कौन से हैं, अब इसके हम कार्य देखेंगे। तो कार्य जैसे कि शुक्र को बाहर निकालना, ठीक है, या फिर आर्तव को, फीमेल के अंदर आर्तव को बाहर निकालना। शुक्र का मतलब हो गया स्पर्म और आर्तव का मतलब क्या हो गया, ओवम, ठीक है, उन सबको आउट करना। तीसरी चीज़ पुरीष को, जो हमारा स्टूल होता है, जो हमारा डाइजेस्टेड वेस्ट होता है, उसको बाहर निकालना। चौथा मूत्र मतलब यूरिन को पास आउट करना, ठीक है। तो ये सब इसके कार्य हो गए। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ये शुक्र, आर्तव, पुरीष एवं मूत्र को शरीर से बाहर निकालने का कार्य करता है, ठीक है। चलो मैं यहाँ पर लिख ही देता हूँ, आदि को बाहर निकालने निकाल निकालता है, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पर हमारी पांच की पांच वायु कंप्लीट हो गई हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जनरली आती है और हमें पूरा लिखना पड़ता है। यहाँ मैंने तुम्हें शॉर्ट में समझाया, लेकिन तुम्हें अपनी बुक से इसको अच्छे से कवर कर लेना है। अब आप अपनी बुक से पढ़ेंगे तो आपको ये सारी वायु समझ आ जाएंगी। पहली कौन सी है, प्राणवायु, उसका स्थान क्या होता है, शिर, और कहाँ कहाँ संचरण करता है, ये भी बता दिया मैंने तुम्हें, और उसका जो मुख्य कार्य है वो बता दिए। इसी तरीके से उदान वायु, इसका स्थान कहाँ पर है, उर में, यानी चेस्ट रीजन में है, और थ्रोट में संचरण करता है। इसके कार्य कौन कौन से, ऊर्जा बल, सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ वायु मानी गई है, ठीक है, टिक लगा लेना इसके ऊपर, सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ वायु इसको माना गया है। इसी के बाद आता है समान वायु, समान वायु जठरग्नि के समीप होता है, अन्न को ग्रहण करना, मतलब बिना पचे हुए खाने को आगे नहीं जाने देता, पचाता भी है, विवेचन डिफ्रेंसिएशन करता है, और जो खाना डाइजेस्ट नहीं हुआ उसको वहीं रहने देता है, और जो डाइजेस्ट हो गया उसको आगे निकाल देता है, ठीक है। इसके बाद लास्ट, इसके बाद नेक्स्ट हमने पढ़ा व्यान वायु के बारे में, जो जिसका स्थान हृदय के पास है, और इसके कार्य मैंने बता दिए, जैसे पलक का गिरना या फिर हमारी बॉडी के अंदर सर्कुलेशन, जो उसका मेन कार्य है सर्कुलेशन का है, ठीक है। और लास्ट में मैंने तुम्हें बताया अपान वायु, कटी के नीचे होता है, शुक्र आर्तव पुरुष वगैरह को हमारी बॉडी से बाहर निकालता है। तो ये मैंने तुम्हें एक शॉर्ट में समझा दिए हैं पाँचों प्रकार, अपनी बुक से आप इसको पढ़िए इजिली, अब तुम्हें समझ में आ जाएगा।
कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। बस तुम्हें बुक में क्या मिलेगा कि आचार्य वाग्भट ने इस तरीके से बोली ये बात, आचार्य चरक ने इस तरीके से बोली और आचार्य सुश्रुत ने इस तरीके से बोली। कुछ कुछ पॉइंट्स जो होंगे वो ऐड होते चले आएंगे, वो तुम्हें समझ में आ जाएंगे। अब तुम्हें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, अपनी प्रॉब्लम मुझसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। ओके, थैंक यू सो मच।